अंदर छुपचाप के अंदर। नहीं नहीं, ये तो वैक्स बैठा है उसके रेवेंजर के ऊपर। वापस एक बार हम लोग आ गए हैं माइनक्राफ्ट के खतरनाक ग्राफिक्स में। मैं हूं ईशान और यह है माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जिसके अंदर हम लोगों ने गाइस वाला पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढा, लेकिन मैं वहां तक अभी गया नहीं हूँ। हम लोग भाई यहाँ पे भाई सब क्या चल क्या रहा है मेरा यार, ठीक से तोड़ भाई, ठीक से तोड़। ये वुल भी लगाया था यहाँ पे मैंने भाई, अपनी शील्ड टूटने को आ गई है, मैं सबसे पहले वही नई बनवा देता हूँ। ओए दो दो शील्ड देखो अपने पे। गाइस अभी मैं लिटरली जा रहा हूँ उसी पिलेजर आउटपोस्ट के पास, देखना मुझे क्या मिल सकता है उधर। अरे भाई साहब गाइस मैं एकदम डर डर के चल रहा हूँ ये पिलेजर आउटपोस्ट के पास, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं यहाँ पे। ओ नो भाई, यहाँ पे आना ही गलती है मेरी। ओए निकलो भाई यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस स्नो में धस रहा हूँ मैं, तो मुझे स्नो बूट्स वगैरह बनवा के आने चाहिए। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं वापस चला अपने घर की तरफ सीधा। गाइस अपने विलेज में आ गए अभी हम लोग, और आज गाइस हम लोग क्या करने वाले पता है क्या? ऑनेस्टली पहले तो मैं विलेज की तरफ से फेंस लगवा दूंगा, एंड देन भाई अपने को प्रिपेयर करना है पिलेजर आउटपोस्ट के साथ लड़ने के लिए। आई मीन पिलेजर आउटपोस्ट के साथ नहीं, बट मुझे एक्चुअली लेना है अपना एक टोटेम। गोलेम हेलो भाई तुम, अबे भाई ये गोलेम अंदर कैसे गया? हेलो गाइस, ये चीज मैं मेरी जिंदगी में पूरे माइनक्राफ्ट की फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि गोलेम ऑटोमेटिकली एक घर के अंदर गया है, दो का ही गैप है। लाइक ये देखो ना इस भाई, ये देखो धक्के मार के भी मुझे नहीं लगता मैं इसको बाहर निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल सकता, सीरियसली नहीं निकाल सकता। गाइस सीधा ये गोलेम स्पॉन ही ऐसी जगह पे हो गया सीधा। अबे यार इसको एक्चुअली में अपने को वैसे भी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये अंदर कुछ सी काम का नहीं है। ठीक है भाई चल बाहर चल, मैं इसको बाहर निकाल लेता भाई, ये सीरियसली अंदर किसी काम का नहीं। चल भाई, ओए ओए भाई, अबे भाई सब तोड़ना पड़ेगा क्या? चलना चलना भाई, चल बाहर निकल चल। अबे क्या नूबड़ा गोलेम है ऑनेस्टली गाइस। ये देखो ये अपना इनकम्प्लीट हाउस, इनकम्प्लीट ही रखो क्या इसको मैं? ओ ये देखो अपनी खेती बढ़ गई है, ये गाइस इसको तोड़ देते हैं, ये लाली लाइन को तो तोड़ देता हूँ। चल भाई ये भी जगह पे मैं ऐसे खेती करने वाला हूँ। आ जाओ काउज आ जाओ, ये लो तुम लोग के लिए। ओ यहाँ पे देखो कौन बंदा है, हेलो कहाँ पे तू? एक छुपा हुआ ये बकेट दे रहा 5 एमरल्ड की, क्या घटिया चीजें दे रहा है। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है? अबे भाग लिया यार ये, मुझे दिख भी नहीं रहा है, मर गया कि? ओए लामा लामा सॉरी भाई लामा सॉरी, ये करना पड़ा हमको, ठीक है ये करना पड़ा। ठीक है यहाँ पे देखता हूँ मेरे घर पे कोई आके सोया क्या, नहीं सोया, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट हम लोग किसी और के घर में जाएंगे आज। हेलो कैसा भाई, उठ, थैंक यू सो मच। वो बंदे अभी तक थूक रहे मेरे पे, अभी एक दूसरे पे भी थूक रहे भाई, काफी दूर दूर से थूक रहे ये लोग। हेलो वेट वेट, ओके बांध दे इन लोगों को, अभी बैठो वहीं पे तुम लोग, ठीक है चुपचाप। अबे भाई इतने दूर क्यों थूकता है, अबे भाई आराम से। हम लोग ये वाली जगह ना और भी अच्छी कर देते हैं, ताकि हम लोग अपनी खेती बढ़वा सके, जल्दी जल्दी कर देता हूँ भाई। हम लोगों ने जितनी होती है उतनी खेती लगवा ली, अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा निपट लेते हैं, यानी कि थोड़ा काम करने ही निकलने वाले हम लोग। पहले यहाँ पे जो बच्चा कुचा है बे ना, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी एक्चुअली हम लोग चले हैं अपने उस वाले इग्लू की तरफ यार, ये ट्रैवलिंग टाइम है ना कुछ ज़्यादा, इसको कम करने का कुछ मुझे बाद में सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पे बी हाउस भी है गाइस, ये देखे ही नहीं थे यार मैंने ये वाले ग्राफिक्स पे, भाई क्या रियलिस्टिक दिख रहा है ये तो देखो तुम लोग। गाइस ये वाला एरिया है ना, मुझे लगता है वो वाला एरिया है यार जहाँ पे सारे फूल वगैरह होते हैं। सीरियसली ये काफ़ी बढ़िया बात हो गई, क्योंकि यहाँ से डाय वगैरह जो बनते हैं ना अपने कलर के लिए कोई भी, वो काफ़ी ईजीली बन जाएगी, अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वाइट चाहिए तो यहाँ से उठा लो भाई, सब कुछ है। फुल भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ खतरनाक है यार अपना। गाइस इस वाले माउंटेन के जस्ट दूसरे साइड अपना इग्लू है, तो यहाँ पे जो पेड़ है ना इनको हम लोग काट सकते हैं। ये वाला पेड़ तो देखो इसका लाइक जो स्टेम है वो काफ़ी ऊंचा, और पत्तियाँ इस पर कुछ भी नहीं है,
ओ भाई साहब, अब भी यहां से गिरने वाला था मैं, पता है क्या? ओ भाई, चार चार या तीन एक्स अपनी टूट गई है। वेट, उसके पहले भाई हम लोग ना यहाँ पे सो लेते हैं भाई, बाकी सब बाद में, रात का समय हो गया है। थैंक यू सो मच। आधे घंटे के बाद और चार एक्स टूटने के बाद अपने पास लगभग चार चार स्टैक वुड हो गया है। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया बात हो गई। ओके, इसको उठाते, इसको यहीं पे रखते, क्योंकि अपने पास वुड ही इतना है कि भाई आराम से हम लोग वापस वापस बनवा सकते क्राफ्टिंग टेबल। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं बनवा रहा हूँ लेदर के शूज़। ओके, फर्स्ट टाइम ऐसा ज़िंदगी में होता है मेरा कि भाई आयरन से बेटर लेदर है। ओके गाइस, मुझे लगा ये माउंटेन के दूसरे साइड एकदम दूर, बट यही पे था ये इग्लू, अभी याद आया मुझे। हेलो बेटा, कैसा है तू? ओके, ये शायद बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। बंदा 26 के बदले काफ़ी बढ़िया चल रहा है इसका काम भी। देखते क्या हो गया। नहीं यार, थोड़ा सा बचा है। ओके, हो जाएगा, अब तो हो जाएगा बेटे, अब फुल लेवल पे चला जा। और ये दे रहा है स्पीड का है दो, बहुत गंदी ट्रेड गाइस, बहुत गंदी ट्रेड है ये। फाइनल वाली ट्रेड अपने कुछ काम की नहीं, लिटरली स्पीड का है खुद को मार के यूज होगा। अपने को निगेटिव इफेक्ट वाले एरोस चाहिए, जैसे डैमेज पॉइजन ये वाले, तो अपने को ईजी पड़ जाता, बट छोड़ो अब इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ एम्बुलेंस लेने के लिए करेंगे कभी कभी। हम लोग के पास कुछ फ्लिंट वगैरह पड़ा है, उससे हम लोग एरोज बनवा लेते हैं। ओके, 43 एरोज बन गए, काफ़ी इनफ हो गए। अभी मेरा जो यार क्या बोलते स्ट्रैटेजी है वो ऐसा है कि गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये विलेज के चारों तरफ फेंसिंग कर सकते, अच्छी खासी फेंसिंग कर देंगे एकदम, ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए इस विलेज के। भाई तू ऊपर कैसे चढ़ गया था यहाँ पे? हेलो, अच्छा आप समझाइए कैसे चढ़ा होगा। अब समझा गाइस विलेजर्स बेवकूफ क्यों होते। अबे बाहर चल ना अब, क्या हटा हुआ बंदा भी ये। इसको यहीं पे रहने दो भाई, यहीं पे रहेगा तू, अब बस हो गया, मैं थक गया इससे। चलो अभी थोड़ा सा एरिया बाकी है फेंसिंग वाला, एंड इसके बाद मुझे चेकआउट भी करना पड़ेगा कि भाई सब जगह से सही है क्या फेंसिंग। लगभग सारे साइड से मैंने चेकआउट कर लिया, बस ये साइड का एक बाकी था, आई मीन ये नीचे वाला भाई, ये वाला थोड़ा सा अलग है। इसमें कोई रहता भी है क्या? यहाँ पे कोई रहता भी नहीं शायद से। ठीक है, बस इधर नीचे जाने के लिए हम लोग स्टेयर्स हटा देते हैं। आई डोंट थिंक कोई ऊपर आ पाएगा अभी यहाँ पे। काफ़ी सारी टॉर्चेस भी मैंने बनवा ली है ताकि अपना ये जो विलेज है वो सही सलामत रहे। ये देखो ऐसे कहीं ना कहीं पे टॉर्चेस लगा देंगे। ओहो, ये देखो ये वाला बंदा। हेलो, कैसा भाई? हेलो, अंदर आना है तेरे को, अंदर आना। ये डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। ऊ, एक मिनट, गोलम यहाँ पे कैसे चला गया? गोलम गलती से बाहर चला गया तो वाट लग जाएगी भाई अपनी। गोलू भाई अंदर आ, प्लीज अंदर आ, प्लीज अंदर आ, बहुत मार करेगा अंदर नहीं आ तो। ठीक है, हम लोग को लीड यूज करनी पड़ेगी शायद से। भाई ये कैसे मार गया? गोलम को खींच के लेके आते अंदर भाई, अंदर छुपचाप अंदर। आ नहीं, गाइस मैं फ्यूचर से हूँ, एडिट करते करते बात कर रहा हूँ। तो इश्यू ऐसा है, मुझे पता है कि मैं वो लेड कोई भी फैंस को लगा सकता था और सेफ हो सकता था जाते आते वहाँ से, लेकिन इतना मैं डर गया था हार्डकोर में, हेल्थ भी कम थी, कि भाई कुछ सूझा ही नहीं और मैं भाग लिया वहाँ से। भाई मैं करूँ क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं करूँ क्या गाइस? ओह, निकाली निकाली लीड, निकाली गाइस मैंने। कैसे वैसे मैं जिंदा हूँ उसी में खुश हूँ। ठीक है गाइस, मैं जिंदा हूँ उतने में ही खुश हूँ आज। गोलम फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसे गोलम पानी में जाते हो। वैसे मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाता हूँ पहले। ठीक है,
आई होप गोलम अपने को भूल जाए, चुपचाप जाके दूसरी जगह पे मैं सो जाता। ये ऐसी बेवकूफ़ी मैंने फर्स्ट टाइम की है, मतलब मेरी जिंदगी में। लाइक कैसे यार, मैंने गलती से लेफ्ट क्लिक कर दिया गोलम पे, देन जल्दी से राइट क्लिक भी कर दिया। देख के आते अभी भी वो गोलम यहीं पे है क्या, कहीं पे यही कहीं पे छोड़ा था मैंने गोलम को। मेरे जैसी बेवकूफ़ चीज़ें प्लीज़ कभी ना कीजिए। वो यहाँ पे एक शिपवरेक है गाइस, मैं गोलम को ढूंढ रहा था और वो करते करते मुझे यहाँ पे एक शिपवरेक दिखा है भाई। सीरियसली पहले मैं अपना वो वाला काम कर लेता भाई, इतने पास में था शिपवरेक, यहाँ पे शिपवरेक है। अभी शायद से हम लोग गाइस जा सकते हैं उसी डायरेक्शन में वापस, और इस बार भाई हम लोग थोड़ी सी मारामारी करके आने वाले सही वाली। आउटपोस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ से, आसपास बस आराम से देखते देखते चलना पड़ेगा। ओके यहाँ पे एक दो बंदे दिखे, ठीक है इनका कुछ नहीं इतना। आ जा भाई मार मार। हाँ ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे पता है ना, ये बंदे भी स्नो में धस के मार सकते हैं गाइस, सीरियसली। ओए कितना लगता है इसको? ओके तीन मारने बैठे, ठीक है तीन वो भी ओके मुझे चाहिए वो मिल गया, हो गया अपना काम हो गया, निकल लिया हम लोग। गाइस वी हैव बैड ओमेन, चलो बाय बाय। हेलो बैड ओमेन मिल गया, इजी एकदम इजी हो गया। ऐसा ना हो कि भाई लेने गया टोटेम और हो गई डेथ। ओह ये कौन सी गुफा है भाई, अजीब सी गुफा है, फर्स्ट टाइम देखी मैंने यहाँ पे, काफ़ी नीचे तक। ओए ओए यहाँ पे भी आ गया वो बंदा, हेलो यहाँ तक आ गया अपने भी। ओके गाइस तो विलेज के काफ़ी क्लोज आ गया हूँ, बट रात का समय होने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, जैसे थोड़ी झाड़ियाँ वगैरह तोड़ लेते हैं अभी रात का समय तो पहले सो लेते हैं। थैंक यू सो मच। एक बनवा लेता हूँ आयरन के एक्स गाइस, क्योंकि उसका जो स्पीड होता है ना अटैक स्पीड वो ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी गाइस हम लोग फुल्ली प्रिपेयर है, ठीक है यहाँ से अंदर चलते अपने विलेज के अंदर और शुरू करते हैं अपनी गाइस फर्स्ट रेड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, कोई एक घर के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम लोग को दिख जाएगा कि कौन से साइड से आने वाली अपनी रेड, ठीक है। ये हेलो कैसे तुम लोग, आ गया क्या बेटे अंदर? अबे मर तो जाना भाई, मर जा बेटे, चल बेटे आ जा, चल 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 पास में आ, पास में पास में आ। और कहाँ पे, और कहाँ पे बता? अच्छा यहाँ पे अटका है, चील मार के गाइस। क्या चील में हम लोग रेड ये करने वाले, पता है क्या, बहुत चील में करने वाले ये पूरी के पूरी रेड। आवाज तो ये साइड से आती मुझे, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा है अब तक। क्या मैं बाहर जाके वापस अंदर आऊँ क्या? अच्छा दिख गए दिख गए दिख गए, कहाँ पे? ओके ओके ज्यादा ऊपर तक नहीं आ पा रहे ये लोग। कैसे मारते? अरे यार गया भाई, गया अपना एक विलेजर मार दिया बंदे ने। ये मुझे क्यों नहीं मार रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। ओके ये साइड से, ओह दिख गए काफी लोग है, काफी लोग। ये वाला बंदा नीचे है इसके भाई, ये ऊपर नहीं आ पाएगा लगता नहीं है। हाँ ये नहीं आ पाएगा, पानी में मार देगा मैं तो इसको ऐसे। सोच समझ के भाई, लेफ्ट साइड से ऊपर से आया आवाज। गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये रेड वाले बंदे कहाँ पे और खुद से मर रही है भाई, ये खुद से मर रहे कहीं पे? वेट ये तो चीटिंग हो जाएगी। एक मिनट मैं पहले सो के आता हूँ जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अपने को वेक्स वाला बंदा तो ढूंढना पड़ेगा एटलीस्ट। ओके मुझे नहीं पता गाइस कि ये लोग है कहाँ पे अब, तब तक हम लोग कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेते भाई। बट मुझे ये नहीं समझा गाइस कि ये लोग मरे कैसे खुद से ही, मतलब ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि मर कैसे रहे खुद से। वो गाइस वैसे अपने पास एरोज की काफी कमी लग रही है मुझे अब भाई, कुछ गोल्डन कैरल्स भी बनवा लिए जाए क्योंकि इसका भी अपने को फायदा हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पता है कि अभी ढूंढने चलता हूँ ये लोग गए कहाँ पे, ठीक है। नीचे के साइड होंगे तो इतना कुछ इशू नहीं आएगा अपने को, इशू कि यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। ये लोग भी मेरे जैसे स्नो में धस गए होंगे कहीं पे, यहाँ पे तो कोई नहीं है, धसा हुआ आवाज भी नहीं आ रहा मुझे। वो नीचे वाली जगह पे तो नहीं आया ना जहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, और वहाँ से ऊपर आना भी मुश्किल, तो मैं भी वहाँ पे भी हो सकते बैठ जैसे मेरी थियोरी है। ओप्स यहाँ पे आवाज आ रही है मुझे, एंड यहाँ पे स्नो भी है, ठीक है। वो गाइस यहाँ पे धसे हुए देखो और कोई दिख तो, ओके वहाँ पे एक बंदा दिखा मुझे, मार दो मार दो मार दो, मर जाएंगे ना ये लोग ऐसे ऐसे कर करके, मुझे लगता है मर जाएंगे एक दूसरे को। मैं एरोस वेस्ट नहीं करने वाला इन पे क्योंकि अपने पास एरोस की वैसे भी कमी है। मैं क्या करता हूँ नीचे चलता हूँ, तू आ जा भाई, तू आ जा यहाँ पे आ। इतना ज्यादा डैमेज, मैं मौत से भागा हुआ से, पता है क्या, मौत से भाग गया, मौत का तमाशा देखने के लिए स्केलेटन भी आ गया। हेलो
ओके मर गया, मर गई। और कहाँ पे दो बच्चे ना, यस यहाँ पे एक इधर लास्ट वाला बच्चा है बस ये। इसके बाद बस अपने को यहाँ से भागना है। चलो वैक्स वाला बंदा आ भी गया गाइस, मार दे मार दे। यस 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 टोटेम मिल रहा है अपने को, इजीली टोटेम मिल रहा है। और गोलेम भी मार रहा है भाई, बंदे मारते गोलेम, वैक्स को भी मर जाएगा इजी। मैं टोटेम उठा के ना पहले उसको हाथ में पकड़ लूंगा। चलो इस काफी भाई एडवेंचर, अंदर घुस गया। हेलो ये अंदर कैसे घुसा? गोलो भाई मुझे पता नहीं मैं आपके पैर कैसे छू, लाइक सीरियसली। गोलो भाई ले लो भाई आयरन ले लो, फुल अप फुल आयरन आपका, ये आपका आयरन समझो। और ये हो गई अपनी रेड समाप्त यहाँ पे। ये लास्ट वाला गोलेम, ठीक है टेंशन मत ले गोलेम, मैं ले लेगा। गाइस ये अपनी फर्स्ट सक्सेसफुल रेड हो गई, जिसमें मुझे मिला है अपना सबसे पहला टोटेम। पहले सो लेता भाई, रुको जरा सबर करो। अंधेरे में क्या मजा आएगा? वैसे अंधेरे में मजा आएगा ना फायरवर्क्स वगैरह जब चलाते हो लोग। ये भाई चलो भाई फायरवर्क्स चला, चल 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 भाई हो गया अंधेरे, आ जाओ ना सब। अबे ये भाई घंटा बजा के खुद सोने निकल लिया, ये क्या भाई? अच्छा और भी आएंगे? नो 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 भाई आई एम नॉट रेडी भाई, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इनके लिए। और एक वैक्स वाला बंदा आएगा तो नहीं भाई यार, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मुझे भागना पड़ेगा ये साइड से, गोलम भाई की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है दो दो वैक्स वाले है शायद से, नहीं यार ये बहुत तेज भागता है वैक्स वाला, पता है क्या तुम लोग को? ज़्यादा ही मुश्किल वाली चीज़ हो गई यार ये, वैक्स की वजह से बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे ही करना पड़ेगा अपने को, अकेले को ले लेंगे भाई। बस एरोस की कमी वरना बहुत ईजी यार मेरे लिए। काफ़ी जो हाई आईक्यू प्ले बोलते हैं ना ये चल रहा है अपना अभी। तो नॉर्मल वाला बंदा है लेफ्ट साइड में, वैक्स नहीं लेफ्ट साइड में भी एक नॉर्मल वाला बच्चा, जितने कम उतने अपने लिए इजी पड़ेंगे समझ लो आप। वो वैक्स है क्या गाइस? ठीक है अच्छा वो दूर चला गया, अच्छी बात है। गाइस काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई अपने लिए। ठीक है मैं समझाता हूँ क्यों, आप बोलोगे भाई ये बंदा इतना खुश क्यों हो गया, खैर बनवा लेते गोल्डन वाले तो मेरा फूड अच्छा वाला हो गया है। ऐसा कैसे? एक मिनट मैंने जस्ट एक चीज नोटिस की है, व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, कितनी बार रेड आती है हार्डकोर में अलग है क्या कुछ? सच्ची मुझे पता नहीं था भाई, भाई मैं माफ कर दे भाई, मैं रेड कर देने वाला आगे से यार विलेजेस पे अपने भाई, फुल लगी पड़ी है भाई, सीरियसली लगी पड़ी है मेरी इस बार भी आई गेस ये लोग। ओ नो गाइस लग गई है वाटर, मेरा सच्ची दिमाग कम काम कर रहा है, इतना काम ही नहीं कर रहा अब दिमाग, इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए। नहीं ये तो वैक्स बैठा है उसके रेवेंजर के ऊपर, गया। सच्ची बोलता हूँ भागने के अलावा कुछ पॉसिबिलिटी बची नहीं है। देखो यहाँ पे एक वैक्स है, ये जो नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं। ठीक है मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा, मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा अजीब सा चीज़ हो गया। ठीक है गाइस ऐसा फर्स्ट टाइम होता है मेरी लाइफ में कि मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से भाग जाऊँ और देख लूँ कि क्या होता है, या फिर भाई ये सबसे अजीब टाइप की रेड है मेरे जिंदगी की। मुझे लगता है मुझे थोड़ा और प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, अगर ये रेड अभी भी यहीं पर रहती है प्रिपेयर होकर आने के बाद तो हम लोग इनको ठीक से मारेंगे। तब तक के लिए गाइस प्लीज लाइक दे दो इस वीडियो को, 50,000 लाइक कितनी जल्दी होती है वो मुझे देखना है। सब्सक्राइब करके रखो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।